नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार डडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। 30 वर्षीय मजदूर का महाराष्ट्र के लातूर में मजदूरी का कार्य करने के दौरान हुई मौत। पैतृक आवास पर शव पहुंचते ही जरही में छाया मातम। डंडई थाना क्षेत्र के जरही गांव निवासी श्री राम प्रवेश पासवान के 31 वर्षीय पुत्र कुलदीप पासवान का सरिया सेटिंग में मजदूरी का कार्य करने के दौरान महाराष्ट्र के लातूर में मौत हो गई, जिसका शव गुरुवार को पैतृक जरही गांव पहुंचते ही परिजनों में मातम छा गया और लोगों का रो रोकर बुरा हाल था। घटना को लेकर मृतक के पिता श्रीराम प्रवेश पासवान ने बताया कि मेरा पुत्र कुलदीप पासवान करीब 1.5 वर्ष से महाराष्ट्र लातूर जिले में मजदूरी का कार्य कर रहा था। ग्राइंडर से सरिया काटने का कार्य करता था। बाल्बो इंडस्ट्रीज में कार्य करने के दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हुआ। घायल अवस्था में उसे आनंद फानंद में नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 6 मार्च 2023 को उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया कि गुरुवार को उसका शव जरही गांव अपने घर लाया गया। वहीं मृतक की बहन ने बताया कि कुलदीप के 4 बच्चे हैं। उसकी पत्नी 2 बच्चों को लेकर दूसरी शादी कर चुकी है। घर पर प्रिंस कुमार 10 वर्षीय दिव्यांग तथा रागनी कुमारी 6 वर्ष अनाथ हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय मुखिया महेंद्र चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मृतक के घर पहुंचे और ढाढस बंधाया। उन्होंने कहा कि कुलदीप बहुत गरीब व्यक्ति था। वो बाहर जाकर मजदूरी का काम करके अपना परिवार चला रहा था। घटना घट जाने से उसका परिवार बिखर गया। उन्होंने एक दिव्यांग बच्चा हुआ बच्ची को हर समय सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में धूम मचाने आ गया है अल्का इलेक्ट्रॉनिक्स। मल्टी ब्रांड शोरूम गढ़वा ब्लॉक के सामने कचहरी रोड गढ़वा। यहाँ लगा है ऑफर और उपहारों का मेला, तो देर किस बात की। अल्का इलेक्ट्रॉनिक्स में आइए और इलेक्ट्रॉनिक्स की हर खरीद पर निश्चित उपहार अपने घर ले जाइए। यहाँ सभी कंपनी के मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स सामान उपलब्ध है, वो भी 0% ब्याज दर पर। इतना ही नहीं, 32 इंच स्मार्ट टीवी ले जाइए मात्र 8,999 रुपए में।